आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने गुरुवार को हुई बैठक में आईपीएल 2022 सीजन के संबंध में कई फैसले लिए हैं। मुंबई और पुणे के चार मैदानों पर 70 लीग मैच खेले जाएंगे। आईपीएल ने शुक्रवार को टूर्नामेंट के फॉर्मेट और ग्रुपों के बारे में जानकारी दी। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने गुरुवार को हुई बैठक में आईपीएल 2022 सीजन के संबंध में कई फैसले लिए हैं। इस दौरान इस बात पर सहमति बनी है कि मुंबई और पुणे के चार मैदानों पर 70 लीग मैच खेले जाएंगे। आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने गुरुवार को ही टूर्नामेंट के उद्घाटन और फाइनल मैच की तारीखों का ऐलान कर दिया था। शुक्रवार को आईपीएल ने टूर्नामेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्मेट और टीमों के ग्रुपों की जानकारी दी है। खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से दूर रखने के लिए 15वां सीजन वायु बबल में खेला जाएगा। मुकाबला 26 मार्च और फाइनल मैच 29 मई को होगा। मुंबई और पुणे के चार मैदानों पर कुल 70 लीग मैच खेले जाएंगे। प्लेऑफ मैचों के लिए फैसला बाद में लिया जाएगा। 10 टीमें कुल 14 लीग मैच खेलेंगी। लीग राउंड में कुल 70 मैच होंगे और इसके बाद चार प्लेऑफ के मुकाबले खेले जाएंगे। सभी टीमें 5 टीमों के खिलाफ 2-2 मैच खेलेंगी। बाकी 4 टीमों के खिलाफ एक मैच खेलने का मौका मिलेगा। टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। इसका फैसला आईपीएल खिताब जीतने के आधार पर लिया गया है। ग्रुप है मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स। ग्रुप बी चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद रॉयल चैलेंजर्स, बैंगलोर पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस। उदाहरण के तौर पर समझे, ग्रुप ए में मुंबई इंडियंस टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 2-2 मैच खेलने होंगे। इसके बाद उसे चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 2 मैच खेलने होंगे। बाकी बची 4 टीमों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 1 ही मैच में खेलना होगा।